अब हम जो है इसे लाइन डायग्राम द्वारा जो लॉरेंस कर्व है उसे उसके द्वारा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम ओ एस एस एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे जो भी पेज होता है वो एक्स एक्सिस में आता है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये जीरो टू वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल जो लाइन होती है। अब इसके थ्रू हम हमारा लॉरेंस कर्व देखेंगे, तो इसपे हमें परसेंटेज शो करने हैं। तो ओ एस एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वर्कर्स देखेंगे, वर्कर्स का जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है उसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम हमारा जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम वो हम हमारे वाई एक्सिस पे करेंगे, ये भी हमारा परसेंटेज ही होगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है उसके लिए अब हम इसे ओ एक्सिस एक्स पे परसेंटेज को, चूंकि परसेंटेज 100 तक ही होते हैं तो 100 तक इसको कर देंगे 10, 20, 30। आप इक्वल पैमाना लीजिएगा, एक मेजरमेंट करके लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर 10% को शो कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। इसी तरह से ओ वाई एक्सिस पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 100%। ध्यान रखिएगा ये जो पैमाना आप लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% लिया तो आप सभी पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 का परसेंटेज लेंगे, इस तरह से ओ वाई एक्सिस पे करेंगे। अब हम जो ये जो परसेंटेज की जो दोनों सीरीज हैं इसको ऊपर ले जाते हुए इक्वली यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, वाई एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे ओ एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक हमारा पे एक स्क्वायर टाइप बन गया बॉक्स। उस बॉक्स को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बीच से, ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है हल्का सा, बिल्कुल ही इक्वल होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, जिससे है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद अब हम हमारे जो परसेंटेज है वो शो करेंगे, जो क्यूमुलेटिव वर्कर्स है फैक्ट्री के और क्यूमुलेटिव वर्कर्स है फैक्ट्री ए और बी के वो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले फैक्ट्री ए के देख लेते हैं, उनका परसेंटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, 37.5 जो कि यहाँ पर आएगा और कितने पे आ रहा है, 3 पे, जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि हमें वो भी देखनी है इनकम भी देखनी है, तो 3% पे कितना आ रहा है वर्कर्स का, 37.5। ये अब हम 64 को देखेंगे 12 पे, तो 64 का आ रहा है हमारा 12 पे और उसका परसेंटेज 12 पे हम करीब 12 यहाँ मान लेते हैं, तो 64 पे वो यहाँ होगा, ठीक है। ये ए जो वर्कर फैक्ट्री ए के जो वर्कर्स है उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। उसके बाद हम देखते हैं 86.5 जो कि हमारा है 29 पे, करीब 29 यहाँ आएगा जिसके लिए 86.5 जो कि हम यहाँ मान लेते हैं 20 प्लस ऊपर ये चीज यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा जो आ रहा है इसके बाद 96 जो कि हमारा है 59 पे 96 करीब करीब यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा और उसके बाद 100% तो यहाँ पे आएगा, ये 100% का ये पूरा है, तो ये 100% पे 100% आ गया, ठीक है, 100% पे 100% आ गया। अब इसे हम एक लाइन के द्वारा मिला देंगे, जीरो एक्सिस से मिलाएंगे, तो ये इस तरह का सारे पॉइंट्स को हम मिलाते जाएंगे
तो ये किस तरह का कर्व बन गया। तो ये क्या बना, फैक्ट्री ए के वर्कर्स का क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। अब इसी तरह से हम फैक्ट्री बी का बनाएंगे, उसमें भी 3% क्रिएटिव कितना है, 28 है, तो करीब करीब यहाँ से आएगा 28 के बाद हमारा आ रहा है 12 पे 53। तो ये हमारा 12 मान लेते हैं, उसमें हमारा 53 यहाँ पे आएगा करीब करीब, ये हमारा 53। इसके बाद अब हमारा 29 पे कितना है, 79। 29 कहाँ है ये, और 79 कहाँ है ये, तो ये करीब करीब यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ आएगा, ये यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमारा आ रहा है 92, 59 पे 92 करीब करीब यहाँ आएगा, और फिर 100 पे 100 जो कि यहीं पर आएगा पॉइंट। आप इन्हें भी मिलाते जाएंगे, थोड़ी सी पास पास आएंगी ये लाइंस, तो केयरफुली बनाइएगा। ये हमें फैक्ट्री बी का बना लेना, फैक्ट्री ए का वर्कर्स का क्यूमुलेटिव परसेंटेज और फैक्ट्री बी के जो वर्कर्स का क्यूमुलेटिव परसेंटेज बन गया। अब हम कैसे शो करेंगे कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन या किस फैक्ट्री में जो लेबर्स उनकी इनकम पे असमानता है, इनइक्वालिटी ज्यादा है, तो जो भी कर ये जो कर बनाने से हम क्या बोलते हैं वर्क में गैप कर, ये पॉइंट्स को मिलाने से जो भी लाइन जोड़ने से जो भी कर बनाने से ये हमारा लॉरेंस कर्व है। और ये लॉरेंस कर्व जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जितना दूर होता है उतनी इनइक्वालिटी होती है। जो ए फैक्ट्री और जो ए बी फैक्ट्री का कर्व बना है वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसे डायगोनल भी कहते हैं, जिसे डायगोनल भी कहते हैं, किरण रेखा भी कहते हैं, उससे जितना दूर होगा उतनी इनकम में इनइक्वालिटी होगी। ध्यान से देखिएगा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर वक्र है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। तो यहाँ पे फैक्ट्री ए के वर्कर्स की जो इनकम है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा दूर है, तो ए जो फैक्ट्री है उनके वर्कर्स की इनकम में ज्यादा असमानता पाई गई है। तो हम एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं कि जो लॉरेंस कर्व है उसमें जो भी वैल्यूज दी जाती है, जो भी सिटीज दी जाती है, उनकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाली जाती है, उन क्यूमुलेटिव परसेंटेज को उस ग्राफ पे शो किया जाता है, और उस ग्राफ को मिलाने के बाद जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जितना दूर कर्व होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी या असमानता पाई जाती है। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा लॉरेंस कर्व में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में अभिकर्ण के माप में लॉरेंस कर्व में रेखा चित्र द्वारा इसे शो किया जाता है। तो अतः जब भी दो सीरीज को रेखा चित्र द्वारा इनइक्वालिटी या अभिकर्ण के माप को शो करना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को शो करना है, तो हम लॉरेंस कर्व का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 6 है वो खत्म होता है। तो आप इससे रिलेटेड सम्स करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप और इजीली इनको सॉल्व कर